तो फाइनली चलिए स्क्रीन पे आ चुके हैं भैया। चलिए बात करते हैं, मार्केट देखें सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। इसी को देख करके यहाँ पे एंट्री पाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए एक कॉल में पहले इंटर हो जाते हैं, ठीक है। पहले देखिएगा यहाँ पे सपोर्ट मार्केट तो ले रहा है, लेकिन यह रिस्की ट्रेड है। एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो पहले सब क्वांटिटी यहाँ पर लेते हैं, देखा जाएगा। बाकी उसके बाद में बताते हैं वो सब सारी बातें। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, आपको एक चीज़ देख करके आपका हाथ चल जाना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देख के करना है। चलिए यहाँ पर फाइनली देखिए, हम लोग एंट्री में अब चलने ही वाले हैं। तो फाइनली कंप्लीट हो चुका है एंट्री। तो चलो भाई 155 चल। देखिए यहाँ पर क्या आना, ये जो ट्रेड है ये रिस्की ट्रेड है। ये रिस्की ट्रेड इसलिए है क्योंकि मार्केट क्या है, बीच में सपोर्ट ले रही है, लेकिन यहाँ से अगर बाउंस आता है तो भाई समझिए अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है। तो 340 हम चल रहे हैं प्रॉफिट में, 200 के ऊपर 155। चलिए कोई बात नहीं, इसको चलने देते हैं। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, आपको हमेशा देखना समझना पड़ेगा किस तरीके से मार्केट में कामकाज होना चाहिए, कैसे कामकाज करना है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो देखिए मार्केट क्या है, यहाँ पे इनसाइड कैंडल एक बनी है बीच में देखेंगे, ठीक है। तो देखा जाएगा अभी कि किस तरीके से यहाँ पे मार्केट कामकाज कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें देखिए होता है, ठीक है, देखना इंपॉर्टेंट है। और भाई हम लोग यहाँ पर 600-700 रुपये के आसपास लॉस में चल रहे हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें हैं ना, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अगर 1000 रुपये का रिस्क, मतलब 1000-1200 का रिस्क दिखेगा तो फिर बाहर निकलने का कोशिश करें कोई मतलब रहेगा नहीं, ठीक है। लेकिन कैंडल क्लोज इंपॉर्टेंट है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट एक क्लियरली दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड में ही मार्केट है, लेकिन ट्रेंड लाइन से काफ़ी दूर है अभी। तो ये देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रही है। तो आपको देखिए टाइम फ्रेम भी चेंज करके देखना पड़ेगा, ठीक है। जब भी टाइम फ्रेम अगर चेंज करके देखेंगे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगा, आपको चार्ट का एक मतलब आइडिया मिल जाएगा कि हाँ क्या हो रहा है इसमें। तो आप देख सकते हैं क्लियरली दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रही है इस टाइम पर, 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो चलिए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस के आसपास में ही घूम रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है, कैंडल क्लोज करना इंपॉर्टेंट है नीचे, लेकिन तब तक नहीं करेगा तब तक कुछ करने वाले नहीं है। मार्केट एक ट्रेंड में तो है ही, और ये हम लोग का सपोर्ट है यहाँ पे। चलिए देखते हैं, कैंडल क्लोज करना इम्पॉर्टेंट है, क्लोज करेगा तभी बाहर निकलेंगे, नहीं करेगा तो नहीं निकलेंगे। देखिए इसके नीचे जब कैंडल क्लोज करेगी तभी निकलेंगे, ठीक है। तब मार्केट क्या है, नीचे डाउन ट्रेंड में चली जाएगी, तो हम लोग का यहाँ पर लॉस बुक करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पर कि फ्लैग एंड पोल बेरिश पैटर्न भी बन जाए, तो कोई नहीं, देखते हैं। जो देखिए चीज़ होती है रियलिटी, उसको देख करके काम काज करना चाहिए, बस मैं यही हमेशा बोलता हूँ। तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट अगर वहाँ तक भी चला जाएगा लाइन पे तो अपना काम बन जाएगा, लेकिन झटके में जाएगा तब, ठीक है। अगर कहीं धीरे धीरे करके जाए तो कुछ नहीं होने वाला, सब लॉस ही मिलेगा, प्रॉफिट तो मिल ही नहीं सकता तब। और देखिए हम लोग भाई 900, चलिए देखते हैं, बहुत करीब में स्टॉप लॉस के हम लोग। देखिए कैंडल क्लोज करना इम्पॉर्टेंट है, कैंडल क्लोज करेगा तभी हम लोग बाहर निकलने का कोशिश करेंगे। भले 1000 से 1200 हो जाएगा, 1300 हो जाएगा, चलेगा, ठीक। कभी कभी क्या होता है, मार्केट ना स्पाइक मार देता है, लॉस दिखता है, जिसे प्रॉफिट कभी कभी दिखता है ज़्यादा लेकिन मिलता नहीं है, वैसे कभी कभी इसमें भी होता है, लॉस दिखता है ज़्यादा लेकिन क्या है ना वो तुरंत मतलब कम हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कैंडल क्लोज करना इम्पॉर्टेंट है आज के दिन में। 500, वन डे टाइम फ्रेम पे एक बार चेक करेंगे क्या हो रहा है मार्केट में। तो मार्केट अब डाउन ट्रेंड में यहाँ पर भी दिख रहा है, ऊपर से आने का पूरा प्रयास कर रही है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, बहुत स्टॉप लॉस के बहुत पास में है भाई। अगर 300 रुपये और 400 रुपये और बढ़ जाएगा तुरंत समझिए कि स्टॉप लॉस हिट हो ही जाएगा, लेकिन कैंडल क्लोज का हम लोग वेट करेंगे। डाउन ट्रेंड में मार्केट डेली टाइम फ्रेम पर भी है, चलने देते हैं क्या होता है देखा जाएगा। लेकिन देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ एक चीज़ देख करके आपको एंट्री बना लेना है बस, अब शांति से बैठना है। ये नहीं कि एंट्री बना लिए तो हमको प्रॉफिट भी मिलना चाहिए या फिर हमको लॉस ही मिलना चाहिए, भाई ये सारी चीज़ें अपने माइंड में मत रखा करिए, ठीक है। वो देखिए मार्केट का काम है देना। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टॉप लॉस अपना प्रॉपर रखा करिए, स्टॉप लॉस ज़रूरी है कि स्टॉप लॉस हमारा कौन सा है, किस तरीके से स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम मार्केट में किस तरीके से कामकाज करना चाहिए।
चलिए देखते हैं। और देखिए इंडिया विक्स भी समझिए कि इस समय 11 के आसपास चल रहा है, तो फिर भाई उसको भी देख करके प्रीमियम कुछ खास इंक्रीज नहीं हो रहा है, बस डीके हो रहा है। देखिए अगर टारगेट के पास मार्केट अगर झटके में जाएगी, ठीक है, मतलब कैंडल बड़ी अचानक में आएगी तभी पैसा बनेगा यहाँ पे, नहीं फिर धीरे धीरे जाएगा तो फिर कोई पैसा हमें बनने वाला नहीं है, लॉस ही दिखेगा। बहुत लोग बोलते हैं सर मार्केट में हम तो एंट्री बना लेते हैं, जाता है हमारे तरीके से मार्केट, तब पर भी उनका लॉस होता है। भाई उसका पीछे का रीज़न है टाइम डिकेगा, तो मैं हमेशा बोलता हूँ टाइम डिके को आप लोग ध्यान दिया करिए तो आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए प्रीमियम हम लोग क्या है, बढ़ नहीं रहा है प्रीमियम, मतलब बस वही चल रहा है। और 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर भाई मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है सपोर्ट लेता हुआ। देखिए मैं ऑप्शन को थोड़ा दूसरे तरीके से प्ले करता हूँ और फ्यूचर को थोड़ा अलग तरीके से प्ले करता हूँ, ठीक है। मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि फ्यूचर जब मैं प्ले करता हूँ ना मेरा तरीका अलग है, तो वो सारी चीज़ें जब मैं लाइव आऊँगा तभी आपको समझा पाऊँगा मेरा स्टॉप लॉस क्या होता है फ्यूचर में। फ्यूचर में देखिए मैं थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रख कर काम काज करता हूँ, लेकिन रिस्क रिवार्ड रेशियो हमेशा मैनेज करके चलता हूँ। अच्छा पैसा बनता है फ्यूचर में भी, काफ़ी बढ़िया, उसमें टेंशन फ्री पैसा रहता है भाई, कोई वहाँ पे टेंशन नहीं रहता। तो भाई हम लोग का देखिए लॉस लगता है स्टॉप लॉस ही हीट होने वाला है, देखेंगे 715 भाई 600 चलो। और ऑप्शन का देखिए प्रॉब्लम ये हमेशा रहेगा, ये कभी दूर होने वाला नहीं है टाइम डिके वाला, ये मैटर तो भाई हमेशा चलता रहेगा। और इसमें भी आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आप अच्छे तरीके से कामकाज करने लग जाएंगे। तो चार्ट एक्सपर्ट बनिए, बस मैं हमेशा बोलता हूँ चार्ट अगर आपको समझ में आने लगेगा तो भाई आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। बहुत सारी चीज़ देखिए देखना पड़ता है चार्ट पर, मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। तभी थोड़ा यहाँ पे एरिया करते हैं तब पता चलेगा। देखिए नीचे आप देखेंगे कितना डब्लू आपको दिख रहा है, ठीक है, बहुत सारे डब्लू आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो एरिया करने से पता चल जाता है कहाँ पर कौन सा पैटर्न बन रहा है, कहाँ पर कौन सा पैटर्न चला है, ये सारी चीज़ें पता चल जाएगा। डबल टॉप डबल बॉटम का चलिए भाई 200 के आसपास लॉस में चल रहा है इस टाइम पे हम लोग। कैंडल देखिए यहाँ तो मार्केट रुक रहा है, ठीक है, मार्केट रुक रहा है, लेकिन बस बात वही है अगर मार्केट मोमेंटम नहीं करेगा, चाहे किसी भी साइड कर दे, चाहे ऊपर कर दे, चाहे हम लोग का स्टॉप लॉस की तरफ ही कर दे, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन मतलब क्या है, पैसा मिलना चाहिए या फिर स्टॉप लॉस जाना चाहिए, बस सही जगह पर एंट्री आपका होना चाहिए, बस ये चीज़। देखिए यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न देख सकते हैं, यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न क्लियरली दिख रहा है। तो अभी डब्ल्यू पैटर्न अगर कंप्लीट करेगा तो इसमें भी जगह भी है, मार्केट नीचे से काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी लिया है, तो सब कुछ सही है, लेकिन यह रिस्की ट्रेड है, देखा जाएगा क्या होता है यहाँ पे। भाई हम लोग 600-700 मतलब पहुँच जा रहे हैं ऐसे ऐसे करके, तो लगता है आज हम लोग का स्टॉप लॉस हीट होगा क्या, मार्केट वहीं बार बार जा रही है। और जाने का पीछे का रीज़न सिर्फ इतना है टाइम डीके लग रहा है, कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज करेगी तभी हम लोग बाहर निकलेंगे, भले चाहे 1200 रुपये लॉस हो जाए चाहे 1300 हो जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्लोजिंग इम्पॉर्टेंट है, कैंडल का क्लोजिंग। देखिए हर एक वीडियो में नॉलेज होता है, शुरू से लास्ट जब देखें तब आपको पता चलेगा माइंड सेट क्या है, क्या देख करके काम काज किया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, ये सारी चीज़ें भाई आपको जब ध्यान में आएगा तभी आप अच्छे तरीके से सस्टेंस कर पाएंगे मार्केट में। और देखिए छोटे छोटे चीज़ें मत समझा करिए, मार्केट में हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस वही चीज़ बस आके आपके माइंड में एक ही चीज़ रुकेगा कि यार देखिए मार्केट में ना नॉलेज तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, लेकिन कोई काम का नहीं रहता है, सिर्फ फालतू माइंड ख़राब करने का रहता है, नॉलेज और कुछ नहीं रहता है। जैसे अगर यहाँ पे 1000 क्वांटिटी जाता है फिर अभी लॉस कितना दिखता तो बोलते हैं अरे सर इतना लॉस हो रहा है, अगर प्रॉफिट दिखता तो बोलते हैं अरे सर इतना प्रॉफिट, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा लॉस दिखाने का इंटेंशन नहीं है, कम क्वांटिटी से काम काज करिए अच्छे खासा, उसके बाद में काम आपको समझ में आएगा। मैं खुद एक लॉट से काम करता था, लेकिन बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं सर लॉट बढ़ा दीजिए लॉट बढ़ा दीजिए, हम लोग चलिए ठीक है भाई अब लॉट भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि देखिए हमें रास्ता दिखाना है, हम दिखा दिए हैं कि अगर प्रैक्टिस करना है एक लॉट से करिए बस, ठीक है। अब मैं एक लॉट से करके कब तक दिखाऊँगा, तो यहाँ पर रहते हैं मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर है, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो पैसा मिलेगा हम लोगों को,
देखिए टाइम फ्रेम चेंज करके अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, एक आइडिया तो मिल ही जाएगा मार्केट का कि आप किस तरीके से कामकाज होता है किस तरीके से नहीं होता है, ये सारी चीज़ें। तो हम लोग भाई काफ़ी समझिए पास में हैं अपने ESL के, तो कैंडल क्लोजिंग इम्पॉर्टेंट है, क्लोज करती है तभी बाहर निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलने वाले। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कैंडल तो रुकी हैं लेकिन टाइम डिकेसिस भाई हम लोग 900 के आसपास मतलब है, देखा जाएगा भाई हम लोग लॉस के बहुत ही करीब 1005 चले गए। तो देखिए कैंडल क्लोज करना इम्पॉर्टेंट है, क्लोज करेगा तभी हम लोग बाहर निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलने वाले यहाँ से। तो बहुत ही समझिए दिख तो गया है लॉस, देखते हैं कैंडल अगर अचानक में नीचे आ जाएगी तो लॉस ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी कम्प्लीटली रुकेंगे हम लोग, क्लोजिंग इम्पॉर्टेंट है, क्लोज करेगा तभी हम लोग बाहर निकलने का ट्राई करेंगे यहाँ से। और देखिए चार्ट कुछ और कर रहा है, ऑप्शन कुछ और कर रहा है, तो भाई 990, 910, 930, चलो चलो स्टॉप हो सकता है, हीट ही होगा। क्लोजिंग लिए इम्पॉर्टेंट है, कैंडल के ऊपर पूरा निगाह रहेगा। कैंडल की तरफ हम लोग का निगाह रहेगा पूरा का पूरा। कभी कभी देखेंगे चार्ट पर कुछ मोमेंटम अलग होता है और ऑप्शन में कभी कभी अलग होता है, तो भाई हम लोग अब ट्रेंड में तो है ही, हो सकता है मार्केट ट्रेंड लाइन के पास में भी आ जाए। चलिए क्लोजिंग तो ऊपर कर दिया है, कैंडल जा रही है नीचे रिजेक्ट लेकर के, यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे करके कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में है। छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो पता चलेगा, देखिए 3 मिनट टाइम फ्रेम पे दिख रहा है क्लियरली कि मार्केट क्या है, थोड़ा डाउन ट्रेंड यहाँ से ले रही है। तो चलिए भाई बच गए हैं, स्टॉप लॉस से बच गए हैं पूरे तरीके से हम लोग। यहाँ पर देखिए सारी कैंडल रिजेक्ट हो रही है नीचे से, तो देखा जाएगा भाई क्या होता है, मिलता है पैसा कि जाता है यहाँ पर स्टॉप लॉस। एक ही कैंडल का कमाल है, चाहे ऊपर चाहे नीचे करके आएगी ना बस हो जाएगा गेम, क्योंकि टाइम डीके बहुत तेज़ लग रहा है, बहुत ज़्यादा बहुत ख़तरनाक टाइम डीके यहाँ पे लग रहा है इस टाइम पे। देखिए कैंडल छोटी छोटी बनती जा रही है, ठीक है, और इसके नीचे मार्केट आएगा तभी हम लोग बाहर निकलेंगे, नहीं तो बाहर निकलने वाले हैं नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। कैंडल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रुकी हुई है, देखिए टाइम फ्रेम मैं हमेशा बोलता हूँ चेंज करके देखेंगे आपको आइडिया मिल जाएगा क्या हो रहा है मार्केट में क्या नहीं हो रहा है सारी चीज़ें। देखिए 3 मिनट टाइम फ्रेम पर भी अगर करेंगे, देखिए यहाँ पर भी मार्केट क्या अप ट्रेंड में है, क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट एकदम अप ट्रेंड में यहाँ पर दिख रहा है, और काफ़ी टाइम भी हो चुका है भाई मार्केट रुकते हुए, देखिए मार्केट रुकते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ ज़्यादा टाइम मैं रुकता नहीं हूँ, जब विवेक से सही नहीं रहता ना फिर ज़्यादा टाइम रुकने का मन नहीं करता है। तो टारगेट ये होने वाला है, अगर आती है मार्केट टारगेट लेने तो ठीक है, मिल जाएगा कुछ पैसे हम लोगों को, नहीं तो भाई फिर वही स्टॉप दे करके मार्केट से बाहर निकल जाएगा। लेकिन काफ़ी टाइम हो चुका है यार, निकलना भी समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी, कभी कभी क्या है ना तो टारगेट आपको दिखता है ना फिर स्टॉप दिखता है, ठीक है, ये दोनों नहीं देख करके आपको बाहर निकलना पड़ जाएगा, जब ज़्यादा टाइम लगेगा तो क्या होगा। तो कैंडल ऊपर साइड आना तो स्टार्ट की है, देखते हैं काफ़ी टाइम हो चुका है भाई हम लोग को, 14-15 मिनट हो चुका है मार्केट में रुके हुए। चलो थोड़ा प्रॉफिट दिखा, 30 रुपये 35 रुपये प्रॉफिट दिखा भाई, लगता है आएगा टारगेट क्या, लेकिन देखते हैं आता है कि नहीं आता है। एक सौ चालीस 190 के आसपास हम लोग चल रहे हैं, देखिए मार्केट ना इसी रेंज में है, ठीक है, मार्केट इसी रेंज में है और रेंज में जब तक रहेगा ना कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पे, कोई मतलब नहीं निकलने वाला, तो देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पे।
देखिए मार्केट मोमेंटम कर दे रही है, लेकिन ऑप्शन का कुछ पता नहीं चल रहा है, ऑप्शन कहाँ चला जा रहा है। कभी कभी ना ये चीज़ देखना पड़ता है कि यार कभी कभी मार्केट आपके साइड में जाएगा तब पर भी आपको लॉस ही दिखेगा, मतलब मार्केट एक अलग नशे में रहती है। कभी कभी एकदम साथ में चलेगा परफेक्ट एकदम, कभी कभी ऊपर नीचे करके चलता है। तो भाई यहाँ पे लगता है हम लोग को पैसा मिलने वाला नहीं, क्योंकि ऑप्शन बढ़ नहीं रहा है जैसे हम लोग चाहते हैं, तो यहाँ पे लगता है हमें बाहर निकलना पड़ेगा और वही अच्छा रहेगा। क्योंकि ना यहाँ पे प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं, बिल्कुल प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं जिस तरीके से बढ़ना चाहिए प्रीमियम को। देखते हैं नहीं, फिर हम बाहर निकलने का ट्राई करेंगे भाई। यहाँ पे जो भी लॉस होगा उसको देखा जाएगा, जो भी प्रॉफिट होगा देखा जाएगा। अभी तो समझिए नो प्रॉफिट नो लॉस में ही हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन प्रीमियम जिस तरीके से बढ़ना चाहिए उस तरीके से नहीं बढ़ रहा है। टाइम डी के बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट यहाँ पर रुक चुकी है। ठीक है, मार्केट यहाँ पर रुक चुकी है। और जहाँ हम लोग एंट्री बनाए मार्केट वहीं पर समझिए रुकी हुई है 16 मिनट के आसपास से। तो 130-70 के पास में चलिए भाई बाहर निकलने का ट्राई करते हैं, कोई मतलब नहीं है इस ट्रेड में बनने से। ठीक है, नेक्स्ट में कोई ट्रेड रहेगा मैं ले करके आपको बताऊंगा, बाकी तो देखते हैं। और मोमेंटम कुछ खास नहीं है, लगता है मार्केट गैप खुलने वाले रेंज में ही जाने वाली है, तो बाहर निकलते हैं यहाँ से। तो चलिए भाई क्लियरली हम लोग यहाँ से बाहर होते हैं, क्योंकि मार्केट सीधा रेंज में दिख रहा है तो बाहर हो चुके हैं। देखते हैं क्या हुआ हम लोग को भाई, रेड या ग्रीन। चलो भाई 20 रुपये समझिए ग्रीन में, नो प्रॉफिट नो लॉस में हम हैं। देखिए कभी कभी ऐसे भी आपको बाहर निकलना पड़ता है, काम का ऐसे भी करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें जब आप मार्केट में तभी आपको समझ में आए। दूसरा वीडियो अच्छा लगा तो दूसरा वीडियो लाइक कर दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।